हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो समांतर श्रेणी था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो आपका त्रिभुज है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए, इसके संदर्भ में हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया जाए, तब जो है इसके जो थियरम है यानी प्रमेय है प्रमेय को देखा जाए, और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन को देखा जाएगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो आइए पुनः हम आपको ले चलते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया। त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, और ये त्रिभुज के सर्वांगसमता के प्रतिबंध क्या होते हैं, तब हम लोग आएंगे समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। तो आइए पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा रिविजन किया जाए। इसमें हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है, इसको डिफाइन करना हो तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा आकृति हमारे सामने हो जिसमें तीन भुजा हो और तीन भुजा से घिरी आकृति बना हो, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, देखिए ए बी, बी सी और सी ए। पहली जो महत्वपूर्ण बात होगा या दूसरी लिखते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे, देखिए शीर्ष ए बी और सी। अगला इसके बारे में जान सकते हैं कि त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं तो इसके तीन कोण भी होंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो हम लोगों ने जाना ये त्रिभुज क्या होता है, यानी त्रिभुज को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं यानी त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, कोण के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। भुजा के आधार पर देखा जाए तो पहला आपका होगा विषमभाव त्रिभुज, विषमभाव त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज हमारे सामने आए जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, इस प्रकार के त्रिभुज को विषमभाव त्रिभुज कहते हैं। जैसे समझ लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का हो, ये 3 सेंटीमीटर का हो और यह 4 सेंटीमीटर का हो, ये तीनों भुजाएं असमान हैं, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमभाव त्रिभुज कहेंगे। दूसरी जो बात आएगी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान, देखिए यह दो और यह तीन, दो समान और एक असमान, इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा आपका जो भुजा के आधार पर प्रकार होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हम लोग
भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाना। अब आइए कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को जाना जाए, तो कोण के आधार पर पहला जो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण 90 अंश से कम हो। देखिए ये भी 90 अंश से कम, ये भी और ये भी 90 अंश से कम, इस प्रकार के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो समकोण, इस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। देख रहे ना, या जो अगर त्रिभुज है अगर 90 अंश अधिक है, इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद हम लोग ये जो त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में जानेंगे। तो आइए जाना जाए सर्वांग समता के प्रतिबंध। ठीक है ना, सर्वांग सर्वांग समता के प्रतिबंध, सर्वांग समता के प्रतिबंध क्या होते हैं, ये आपके सारे थ्योरम सारे क्वेश्चन का निवारण यही करता है, सर्वांग समता का प्रतिबंध ही। मेरे पढ़ाने में टोटल जो है इसी का यूज किया करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सर्वांगसम का प्रतिबंध होता है पहला, मान लीजिए दो त्रिभुज आपके हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ये भी पहला कंडीशन देखिएगा, यदि यह इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के संगत भुजाएं समान हो, यानी ए बी बराबर पी क्यू हो जाए, ए सी बराबर पी आर हो जाए, बी सी बराबर क्यू आर हो जाए, दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं समान हो गए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर, और यह सर्वांगसम हो रहा है साइड 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 यस 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 से, साइड में भुजा होता है भुजा 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 से। पहला कंडीशन हो गया सर्वांगसमता का। दूसरा कंडीशन आप लिख सकते हैं, यानी इस त्रिभुज उसी त्रिभुज के लिए ए बी बराबर पी क्यू हो जाए, बी सी बराबर क्यू आर हो जाए, और एक कोण कोई समान हो जाए कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए, यानी या इसके और या इसके और या कोण इस कोण के बराबर, ये त्रिभुज जो होगा ए बी सी समांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। और यह समांगसम हो गया इस कंडीशन में, यह सर्वांगसम हुआ किससे, साइड एंगल साइड से, यानी साइड में भुजा कोण भुजा से। ठीक, तीसरा इसका कंडीशन कह सकते हैं,
दो कोण बराबर हो, कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, या कोण इस कोण के बराबर या कोण इस कोण के बराबर और बी सी बराबर क्यू आर, इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी सर्वांश होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर भी, या किससे हुआ एंगल साइड एंगल से यानी कोण कोण भुजा कोण से त्रिभुज सर्वांश हो जाएंगे। तीसरा चौथा कंडीशन है होगा ये दो त्रिभुज के तीनों कोण समान हो, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, अगर समान हो तो इस कंडीशन में ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग समता में एक कंडीशन होता है कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो इस यह त्रिभुज इस त्रिभुज को क्या करे पूरी पूरी तरह ढक ले, ये जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज ही हो, कोई भी आकृति हो सकती है, यानी सेम आकृति वाले आकृति एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखा जाए तो एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी पूरी तरह ढक ले तो सर्वांशन होगा, लेकिन ये समरूप में कंडीशन नहीं है। समरूप में ये आकृति जैसे ये ढकने का मतलब यार सेम हो गया है, यह अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ढक ले तो सर्वांशन होगा सेम हो गया, कि समरूप में कोण समान होंगे लेकिन आकृति जो है असमान हो सकती है, आकृति ये छोटा होगा ये बड़ा हो सकता है, ये ढकने का कंडीशन नहीं होगा। यानी जो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं यानी समरूप होता है वो कभी कभी सर्वांशम हो सकते हैं, ये सर्वांशम जो है समरूप हो सकते हैं और समरूप या सर्वांशम कभी संभव नहीं है। तो ये आपका सर्वांशमता के प्रतिबंध हुए। देखिएगा यहाँ पर ये सुना है बात सुन लीजिए कि प्रत्येक समरूप त्रिभुज सर्वांशम नहीं हो सकते लेकिन सर्वांशम जो है समरूप हो सकते हैं। ठीक, समरूप के ये तो कोण के आधार पर कहा गया, समरूप के इसके अतिरिक्त एक और कंडीशन होता है यानी समरूप के क्या कंडीशन हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, यानी समरूपता के जो प्रतिबंध जैसे वहां पर है यहाँ पे होगा इसके दो ही प्रतिबंध हो सकते हैं कि संगत कोण समान हो, कोण ए बराबर कोण पी हो जाए, कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए, कोण सी बराबर कोण आर हो जाए, पहला। दूसरा इनके संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे पी क्यू हो जाए और आपका बी सी बटे क्यू आर हो जाए और आपका ए सी बटे पी आर हो जाए। अगर यह दो कंडीशन हमारे सामने कहीं भी आ जाए यानी दो त्रिभुज के तीनों कोण संगत तीनों कोण समान हो जाए और इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो जान लीजिए त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो समरूपता की कंडीशन यही होता है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि यह दो त्रिभुज समरूप होंगे तो केवल ये तीनों कोण ये तीनों कोण इक्वल हो जाए और ए संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल हो जाए, यदि दो कोण इक्वल दो कोण अगर इक्वल हो जा रहा है तो कोण कोण समरूपता से ही त्रिभुज क्या जाते हैं समरूप हो जाते हैं। तो ए
जो चैप्टर नंबर 6 का जो आपका मुख्य जो टॉपिक्स था, उस टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आइए इसके प्रश्नावली के बारे में अध्ययन किया जाए। तो प्रश्नावली स्टार्ट होगा 6.1। देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान में भरना है, प्रश्नावली हो गया 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये फिलअप करना, दिए हुए कोष्टक में दिए हुए शब्दों का सही शब्दों का प्रयोग करना है। पहला दिया है कह सभी वृत्त, सभी वृत्त, देखिए खाली दिया है, और उसके बाद होते हैं अगला दिया इसमें सर्वांगसम उसके बाद ये कोष्टक में दिया है समरूप। अब इसी में इसको ये भरा जाएगा तो सभी वृत्त जो होंगे क्या होंगे, समरूप होते हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा समरूप। मैं बताया ये कि समरूप में एक कंडीशन नहीं होता है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को ढके, वो छोटा बड़ा आकृति हो सकता है, सेम आकृति है। तो इस प्रकार जो आकृति होगा, आकृति सेम हो, छोटे बड़े का कोई वो मायने ना हो, और कोण क्या हो समान हो, भुजाओं का अनुपात समान हो, तो ये समरूप होंगे। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा इसका पार्ट कह रहा है सभी वर्ग। अब यहाँ खाली स्थान दिया है, कह रहा है होते हैं कोष्ठक में दिया है समरूप, और उसके बाद दिया है सर्वांगसम। तो जो वर्ग होते हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे, यहाँ का भरा जाएगा समरूप। इसका तीसरा पार्ट दिया है, देखिएगा सभी दिया है, यहाँ खाली स्थान दिया है, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। कोष्ठक में दिया है समद्विभाव, और उसके बाद सम भाव। देखिए समद्विभाव त्रिभुज, समभाव त्रिभुज, इसमें क्या होगा सही समभाव त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। चौथा इसका पाठ दिया है भुजाओं की संख्या समान वाले बहुपद होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिएगा संगत कोण, और खाली स्थान दिया केवल वही लिख रहा हूँ संगत कोण, और खाली स्थान दिया और ये हो गया जब अभी दे रहा है तो उसकी संगत भुजाएं, उसकी संगत भुजाएं, खाली स्थान दिया है कोरा भरी, इसमें क्या होगा, और कोष्टक में दिया है बराबर, उसके बाद दिया समानुपाती। तो कोई भी बहुभुज हो तो बहुभुज समरूप होने का कंडीशन यही होगा, बताए हैं कि दो आकृतियां समरूप होंगे कब, क्योंकि संगत कोण बराबर हो, यहाँ बराबर हो जाएगा, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो समानुपात हो जाएगा। इसमें बराबर भरा जाएगा, इसमें समानुपात भरा जाएगा, समानुपाती होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से
दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों का उदाहरण देना दो। तो समरूप में एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए वृत्त और एक एग्जाम्पल दे दीजिए वर्ग, यानी दो ऐसे आकृतियाँ हैं ये समरूप होंगी, कभी भी जो है ये समरूप के अलावा कुछ होगा ही नहीं। ये दो आकृतियाँ ऐसी हैं जो हमेशा जो है समरूप ही को प्रदर्शित करेंगी। पहला हो गया, कोरा दो समरूप आकृतियों के नाम बताइए। दो समरूप आकृतियों के नाम वर्ग और वृत्त कह सकते हैं। कोरा कि ऐसे दो आकृतियाँ बताइए जो समरूप नहीं हैं, तो कोई बता दीजिए, वर्ग बता दीजिए, ठीक है, त्रिभुज बता दीजिए, त्रिभुज और वर्ग समरूप होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये आकृति दिया, कौन बताइए आकृतियां समरूप हैं कि नहीं, ऐसे मान दिया सबका। सबका अलावा मान लिया 1.5 दिया सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ए भी, 1.5 सेंटीमीटर ए भी, 1.5 सेंटीमीटर ए भी। उसके बाद दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि ये बताइए कि समरूप त्रिभुज है कि नहीं, ठीक। यहां देख रहा है समरूप है कि नहीं, आकृति ऐसे दिया है, तो यहां पर देख रहा है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर निकाला जाए तो यह बटे यह करेंगे, यह बटे यह करेंगे, यह बटे यह करेंगे, यह बटे यह, अनुपात तो समान है, क्योंकि ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी और ए पी क्यू अपने पास मान लिया आर यस, तो ए बी बटे पी क्यू करें, ठीक, ए बटे पी क्यू करेंगे तो 1.5/3 बराबर 15/30 बराबर 1/2, इसी तरह यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, तो ए अनुपात जो होगा सबका 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा, लेकिन इसके संगत जो कोण है कोण ए नॉट इक्वल टू कोण पी, यह इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि वर्ग है ये समांतर में दिखाई दे रहा है आकृति, तो कोण समान नहीं है, तो भुजा तो अनुपात समान है लेकिन कोण समान न होने की कंडीशन में ये जो है समरूप आकृतियां नहीं होंगी, यानी जो है आपके समरूप नहीं होंगे। इस प्रकार आज के इस वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।